दोस्तों आज हम देखेंगे 30 फीट बाय 30 फीट का हाउस प्लानिंग, जिसमें रहेगा फ्रंट में 30 फीट ईस्ट डिरेक्शन एंड लेफ्ट में भी रहेगा 30 फीट 30 फीट। और दोस्तों 30 बाय 30 के अंदर आज हमने सेट किया हुआ है 2 बेडरूम, हॉल, किचन एंड कॉमन टॉयलेट। अगर आपको पूजा रूम भी सेट करना है तो ये चीज भी पॉसिबल है। दोस्तों अगर आपको भी कोई अलग तरीके से प्लानिंग बनवाना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि आपका प्लॉट का साइज जो भी है उस हिसाब से मैं आपका प्लॉट के साइज की रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आपको प्लानिंग करके पीडीएफ भेज सकूंगा। अगर आपको कोई और प्लान की भी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ से ये रोड से एंट्री है तो यहाँ पे एंट्रेंस में स्टेप सेट किया हुआ है टेरिस पे जाने के लिए। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर भी डेवलप करना है तो फिर भी यहाँ से जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे घर में एंटर होते ही यहाँ पे 17 फीट 9 इंच बाई 10 फीट का ड्राइंग रूम और प्लस लिविंग है, डाइनिंग एरिया और लिविंग है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 17 फीट 9 इंच है। और दोस्तों अभी हम यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो और एक बेडरूम सेट किया हुआ है जो बेडरूम का साइज है 10 बाई 12 फीट। यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 10 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट। अगर दोस्तों यहाँ पे ये कॉमन टॉयलेट है, आपको अटैच टॉयलेट यानी कि बेडरूम में भी सेट करना है तो यहाँ से डोर देकर इसको सेट कर सकते हो। तो दोस्तों पहले तो ये जो कॉमन टॉयलेट है उसका साइज है 6 फीट 2 इंच बाई 5 फीट। यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 6 फीट 2 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट है। अभी दोस्तों हम बैक साइड में देखेंगे कि यहाँ पे बैक साइड में किचन है जिसका साइज है 10 फीट बाई 10 फीट। यानी कि ये वॉल से लेकर यहाँ तक 10 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 फीट है। और दोस्तों उसके बिल्कुल बाजू में बेडरूम है जिसका साइज है 12 बाई 10। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है और ये वॉल से लेकर यहाँ तक 10 फीट है। और यहाँ पे कोने में ओटीएस सेट किया हुआ है और उसके आगे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है 5 फीट बाई 5.5 फीट का। तो दोस्तों यही था 30 बाई 30 का 2 बेडरूम हॉल किचन। अगर आपको भी कोई अलग तरीके से प्लानिंग करवाना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम आपको भी कोई प्लानिंग बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।